नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट विद होम्योपैथी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मैंगो यानी आम के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे जो आम होता है हमारे शरीर के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद होता है, कौन कौन से रोगों से हमें बचाने का काम करता है और कौन कौन सी बीमारियों को ठीक करने का काम करता है, इसी के बारे में आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। बताना चाहूँगा अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि चैनल से जुड़ी हर नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है गर्मियां चल रही हैं और गर्मियों में एक फल आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा जिसका नाम है आम। वैसे तो सर्दियों में भी आम काफ़ी ज़्यादा बिकता है लेकिन इसका जो सेवन किया जाता है गर्मियों में ज़्यादा लोग इसको खाना पसंद करते हैं। गर्मियों में हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है आम। चाहे तो आप इसका जनरल तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं या आप इसको मैंगो शेक बनाकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी प्रकार आपको आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही तरह से ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों जो आम होता है हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का काम करता है। हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है जिससे हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ और हेल्दी रहता है और हम कम बीमार पड़ते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कोरोना का समय चल रहा है और कोरोना में जो जिसकी इम्यूनिटी पावर कम होगी या जिसकी रोगों से लड़ने की क्षमता कम होगी उसको कोरोना इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस है। अगर ऐसे में आप आम का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा कम चांस है इसके होने के, ये और बीमारियों के होने के। तो दोस्तों मैं ऐसा नहीं कह रहा अगर आम खाएंगे तो आपको कोरोना नहीं होगा, लेकिन आपकी जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर आप रोज़ाना एक एक से दो आम का सेवन करेंगे तो। दोस्तों जो आम होता है गर्मियों में खाना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर जैसे आप कहीं जा रहे हैं, गर्म हवाएँ चल रही हैं, लू चल रही हैं, उस समय अगर आप दो से तीन आम घर से खाकर जाते हैं तो आपको लू लगने का खतरा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और आपका जो शरीर है वो हाइड्रेट रहता है। डिहाइड्रेशन के होने के चांस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, आपके शरीर में पानी की कमी भी नहीं हो पाती है। दोस्तों जो आम होता है इसमें विटामिन ई काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है जिससे जो पुरुष होते हैं जिनमें सेक्सुअल वीकनेस की परेशानी होती है तो वो भी इसकी सहायता से काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। दोस्तों जो आम होता है इसमें ग्लूटामिन एसिड भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। जिन लोगों को मेमोरी वीकनेस की प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों की याददाश्त कमज़ोर होती है, तो याददाश्त बढ़ाने के लिए भी आप आम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आम होता है जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है और उनके बेबी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों जो आम होता है इंडाइजेशन में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। जिन लोगों को पाचन संबंधी समस्याएं रहती हैं उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसमें कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो प्रोटीन को तोड़कर खाने को पचाने में मदद करते हैं जिससे जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है या जिन लोगों को गैस संबंधी परेशानी रहती है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों जो आम होता है हमारी स्किन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। जिन लोगों की ड्राई स्किन रहती है, सूखापन या रूखापन स्किन में रहता है और जिनके चेहरे पर कील मुहासों की परेशानी रहती है वो लोग इसको जो आम का गूदा होता है उसको अपने चेहरे पर लगा भी सकते हैं या पीकर भी आप इसका संपूर्ण लाभ ले सकते हैं, तो स्किन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों जो आम होता है इसमें विटामिन ए भी पाया जाता है जो हमारी आंखों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है, जो आंखों की रोशनी को बढ़ाने का काम करता है। दोस्तों जो आम होता है इसमें फाइबर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मौजूद होते हैं और विटामिन भी पाए जाते हैं जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है या जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करके हार्ट अटैक के खतरे को कम करता है, दिल के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों जो आम होता है इसमें एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं जो ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर या कॉलन कैंसर से हमें बचाने का भी काम करता है। दोस्तों जो आम होता है जिन लोगों को नोज ब्लीडिंग की परेशानी रहती है या हेमरेजेस की शिकायत रहती है, ब्लड कहीं ना कहीं से आता रहता है मुंह से या नाक से, उन लोगों के लिए भी आम काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये नोज ब्लीडिंग या एपिस्टैक्सिस की परेशानी को भी ठीक करने का काम करता है। तो दोस्तों देखा आपने जो आम होता है हमारे शरीर के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद होता है, हमारे शरीर को बहुत सारे रोगों से बचाने का काम करता है, बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने का काम करता है। अगर आप रोज़ाना दो से तीन आम रोज़ाना इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप पूरी तरीके से स्वस्थ और हेल्दी रहेंगे। आप इसका डायरेक्ट खाकर इस्तेमाल कर सकते हैं या इसको मैंगो शेक बनाकर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दोनों ही तरह से हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहता है और इसका संपूर्ण लाभ आपको मिल जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।